गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुराग। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज का हमारा सेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे केंद्रित है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी अ वेरी वेरी क्रूशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज G20, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। सो G20 नेशंस और G20 कंट्रीज एट प्रेजेंट इज वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड, डोमिनेटिंग, ये डोमिनेट कर रहा है पूरे अर्थव्यवस्था को या वर्ल्ड की इकोनॉमी को। इट इज डोमिनेटिंग इन शॉर्ट द होल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। एंड दिस इज द ग्रुप विच टेक्स इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस एंड इट इज क्वाइट अ रीसेंट ग्रुप फॉर्म्ड जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ दिस सेंचुरी। तो ये सेशन टू है जैसा कि आप देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। हम लोगों ने इसके पहले सेशन वन में ऑलरेडी वी हैव कवर्ड द रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस सेंटर्ड अराउंड वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीका, या यू कहें मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, यानी मेना बेल्ट या वाना बेल्ट की ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। एंड लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, यहां से यूपीएससी एक से दो सवाल निकालती है इंटरनेशनल एंड रीजनल ग्रुपिंग से, और ये सारे के सारे क्वेश्चन करेंट ओरिएंटेड या कंटेम्प्ररी परस्पेक्टिव लिए हुए रहते हैं। सो प्लीज डोंट मिस दिस एरिया। इट इज अ वेरी हाई यील्डिंग एरिया। मार्क्स, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यू विल बी गेटिंग हायर मार्क्स। एंड एक ऐसा एरिया अगर आप लीव करके जाओगे, यू विल बी द लूजर, नेट लूजर इन दिस रेस इन द यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। तो ये G20 जो ग्रुप है, हम लोग आज इस पे फोकस करने वाले हैं। दिस वॉज ऑल्सो इन न्यूज, ये करंट अफेयर्स में भी न्यूज में आया था, ऑल बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल समिट ऑफ दिस ग्रुप which happened on March 26, 2020. So March 26, 2020 को extraordinary virtual summit लिया गया, and all the heads of the G20 nations or the G20 members, they interacted amongst themselves over how to counter the global pandemic of novel version of coronavirus, which has wreaked havoc around the world, and it has come out to be the biggest challenge after the world wars. तो इसी वजह से करंट अफेयर्स के न्यूज में भी था। तो ये जो टॉपिक है, इट्स बोथ अ टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज करंट अफेयर्स, दोनों पर्सपेक्टिव से इसको कवर कीजिएगा। एंड वी विल एंड द सेशन टूडे विद द एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ओवर दिस टॉपिक एज वेल एज वॉट वॉज डिस्कस्ड ऑन March 26, 2020. सो लेट अस स्टार्ट दिस टॉपिक, G20. G20 is a leading forum, as you can see here, of the world's major economies. तो विश्व के जितने बड़े देश है अर्थव्यवस्था के परस्पेक्टिव से, उन सारे देशों का ये ग्रुप है G20. और इसका मेजर एम है, मेजर टास्क है, इट सीक्स टू डेवलप ग्लोबल पॉलिसीज, पॉलिसी मेकिंग टू एड्रेस टूडेज मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस। तो जो भी चैलेंजेस हमारा विश्व फेस कर रहा है, उन चैलेंजेस को काउंटर counter करना, countering the challenges our globe is facing at present is the major intention or objective of the G20 group. And in fact, G20 group is not made up of 20 countries. It is a group of 19 countries plus one another organization, that is European Union. तो ये भी एक critical, meticulous observation. G20 is a group consisting of only 19 countries. It's a true statement. The last one is not a country, it's a organization, the European Union. And hum ye members detail mein agle slide pe dekhenge. Founded in 1999 aur ye 1999 mein ye form kiya gaya tha, established kiya gaya tha after the 1997 crisis, economic crisis, that is recession of tiger economies. अब यहां टाइगर इकोनॉमीज वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से यूपीएससी सवाल पूछ सकती है। तो टाइगर इकोनॉमी वर्ड इज अ टर्म विच इज यूज टू डिस्क्राइब सेवरल बूमिंग इकोनॉमीज। तो जो भी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी बूम पे चल रही थी 1990s में, बहुत फास्ट जीडीपी ग्रोथ रेट चल रहा था, एंड दे वर रैलिंग इन द वर्ल्ड मार्केट्स एज वेल, ये सारी इकोनॉमीज को टर्म दिया गया टाइगर इकोनॉमीज, वेरी फास्ट ग्रोथ रेट्स।
And they were able to convert the growth into development as well inside their own country. And ये टाइगर इकोनॉमिक्स के चार एग्जाम्पल्स हैं. सबसे पहला साउथ कोरिया, एशिया पैसिफिक में लोकेटेड है, पैसिफिक ओशन के कोस्ट पे, चाइना और जापान के बीच में. सेकंड ताइवान. सो ताइवान इज ऑल्सो लोकेटेड जस्ट साउथ ईस्ट ऑफ चाइना इन द पैसिफिक ओशन बेल्ट. थर्ड अपार्ट फ्रॉम दिस हांगकांग, एंड हांगकांग हैज बीन इन न्यूज बिकॉज ऑफ हांगकांग चाइना स्पैट. हांगकांग एक सेपरेट इकोनॉमी है, माइंड इट, इट्स अ पार्ट ऑफ चाइना पॉलिटिकली, बट इट इज अ सेपरेट इकोनॉमी, उसे अलग इकोनॉमी गिना जाता है हर जगह पे. तो हांगकांग एंड लास्ट वन सिंगापुर. सो फोर टाइगर इकोनॉमीज, और ये टाइगर इकोनॉमीज बहुत फास्ट ग्रोथ रेट से मर्ज कर रही थी 1990s में, बट 1997 में क्राइसिस आया, रिसेशन, और उसके तुरंत बाद ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थ्रेटन होनी शुरू हो गई. एंड टू काउंटर दिस थ्रेटनिंग ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी द G20 ग्रुप वॉज फॉर्म्ड. तो ये G20 ग्रुप में मेजर फोकस था फाइनेंस के ऊपर, और इसमें सेंट्रल बैंक जो भी हर कंट्री का है, G20 ग्रुप के कंट्रीज का, उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का मीटिंग होल्ड करवाने की बात थी. इन शॉर्ट फाइनेंस एंड बैंकिंग फील्ड द मीटिंग्स वर ऑर्गेनाइज्ड राइट सिंस द इंसेप्शन इन 1999, एंड द G20 ग्रुप ग्रेजुअली एक्सपेंडेड. तो शुरू में यहां पे, तो शुरू में हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट डिडंट मीट, केवल फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का मीटिंग G20 में हुआ करता था. एंड एट दैट टाइम अनदर ग्रुप वॉज लीडिंग द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग, एंड दैट वॉज G8. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट G8 कंट्रीज इन द नेक्स्ट स्लाइड. तो G8 उस समय वर्ल्ड के इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन लेता था, लेकिन स्लोली स्लोली G20 इवॉल्व कर रहा था, एक्सपैंड कर रहा था, और जल्द ही ये रिप्लेस करने वाला था G8 ग्रुप को. मैं इसमें एक पॉइंट और बता दूं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है. तो पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द साइड ऑफ यूरोपियन यूनियन इज यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक. तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस का नाम याद रखिएगा. सो यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक पार्टिसिपेट फ्रॉम द साइड ऑफ यूरोपियन यूनियन इन द G20 समिट्स. तो लेट अस सी G20 ग्रुप इवॉल्व कैसे किया बाद में, आगे चलकर 2000 ईयर के बाद. सो एज वन कैन सी अपॉन दिस मैप द G20 कंट्रीज आर रिप्रेजेंटेड, और ये मैप ज्यादा विजुलाइज हो पाएगा वंस वी सी द मेंबर नेशंस एंड द नेम्स. सो अगले स्लाइड पे दिया हुआ है मेंबर नेशंस ऑफ G20. तो मैंने जैसे पहले बताया G20 में यूरोपियन यूनियन, सेपरेट कर लीजिए यूरोपियन यूनियन, सो दिस इज इट, सेपरेट कर लीजिए. 19 कंट्रीज बची हैं, 19 कंट्रीज में G8 ग्रुप पहले से था, और इसमें बाद में 11 कंट्रीज एड अप हुई. तो G8 ग्रुप कौन सा ग्रुप है, लेट्स सी. G8 हैज G7 प्लस रशिया. तो G7 प्लस रशिया, इसको कंबाइन करके ग्रुप ऑफ 8 कंट्रीज नाम दिया गया था, और ये G7 ग्रुप का ओरिजिन 1975 में है. सो 1975 में G7 ग्रुप बनाया गया था, एंड दिस ग्रुप केम अप टू फॉर्मुलेट पॉलिसी डिसीजंस टू एंश्योर ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. तो अर्थव्यवस्था में स्टेबिलिटी रहे, और कहीं भी किसी भी देश में रिसेशन ना आए, अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़े, उसको लेकर G7 ग्रुप बनाया गया था. और ये कब बनाया गया था, आफ्टर द 1973 रिसेशन. तो जब भी कोई रिसेशन हो रहा है वर्ल्ड में, उसके तुरंत बाद एक बड़ा ग्रुप बनाया जा रहा है, और उसमें लीडिंग वर्ल्ड की इकोनॉमीज पार्टिसिपेट कर रही है पॉलिसी डिसीजंस में, टू एंश्योर कि आगे चलकर ऐसा कुछ दोबारा ना हो, रिसेशन ना आए दोबारा. तो यहां आप देख सकते हैं G7 में एक नॉर्थ अमेरिका से दो देश, कनाडा पहला, सेकंड US. सो ये फर्स्ट, ये सेकंड. नेक्स्ट, इसके बाद एशिया से एक देश, जापान, और उसके बाद रिमेनिंग फोर कंट्रीज G7 में यूरोप से हैं,
notably Germany, UK, France and Italy. So I repeat, four countries of Europe, Germany, Italy, France and UK, two countries of North America, that is US and Canada, and one country of Asia, that is Japan. These countries formed the G7 group in 1975, and the aim was to have common policy decisions in the field of economic stability, in the field of economy and finance, to promote international stability. Aur isme Russia baad mein add up hua 1990s mein. Russia ke existence ke pehle USSR tha and it was not a member of G7. So Russia came up in 1990s in the group, and the group was renamed as G8. And G8 group used to think itself as the whole and soul of the world. Yani ye apne aap ko pure vishwa ka malik samajhte the. And they used to think that they would never go wrong. Lekin 1990s saw the arrival of new countries, rising countries, developing economies, which posed a challenge before the G8 group. और ये countries जो challenge pose कर रही थी G8 के सामने, उनका नाम दिया हुआ है इसी slide पे. Let us have a look. So from South America, two countries were fast developing in 1990s. One was Argentina, one was Brazil. Next, from North America, another country was developing, Mexico. So three countries all in all from Americas. और ये तीनों देश Latin America से. तो लैटिन अमेरिका पोर्शन से तीन देशों को देखा गया कि राइज कर रहे हैं, इन्हें भी इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजंस में लेना पड़ेगा साथ में. नेक्स्ट, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी इज अ डेवलप्ड कंट्री एंड इट वाज राइजिंग इकोनॉमिकली इन द वर्ल्ड. और इसके अलावा द कंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम द कंटिनेंट ऑफ अफ्रीका. सो फ्रॉम लैटिन अमेरिका थ्री कंट्रीज, अर्जेंटीना, मैक्सिको एंड ब्राजील. And apart from this, the country of Australia and the country of South Africa. और उसके बाद देखा गया Asia से कुछ rising economies थी. और Asia की rising economies आप देख सकते हैं, सबसे पहला China rank 1 पे, second India rank 2 पे, third Indonesia, fourth Saudi Arab, fifth South Korea and sixth Turkey. So six nations came up in Asia. So six nations were fast developing from Asia. I repeat, China, India, Indonesia, Saudi Arab, South Korea and Turkey. Of this, Turkey and Saudi Arab are from West Asia. And China and South Korea are from Far East, that is Pacific Coast. And Indonesia is from Southeast Asia. Dakshin Purvi Asia se Indonesia hai. वहीं दक्षिण एशिया से, साउथ एशिया से भारत है, इंडिया. सो सिक्स कंट्रीज आई रिपीट फ्रॉम एशिया, थ्री कंट्रीज फ्रॉम लैटिन अमेरिका, तीन देश लैटिन अमेरिका से, और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया एक, और उसके अलावा एक साउथ अफ्रीका. ये कंबाइन करके हो गए 11 कंट्रीज के साथ में G8 ग्रुप पहले से ही एग्जिस्टेंट था. 19 कंट्रीज हो गई और यूरोपियन यूनियन एड अप करके बन गया G20 ग्रुप. अब इस स्लाइड से बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन आपको एक्सट्रैक्ट करना है. एक्सट्रैक्ट माइक्रो नोट्स फ्रॉम दिस स्लाइड. फर्स्ट पॉइंट, विच कंटिनेंट हैज द मैक्सिमम कंट्रीज इन G20 ग्रुप. सो एज वन कैन सी, सिक्स कंट्रीज फ्रॉम एशिया प्लस वन कंट्री वॉज देयर इन G8 एज वेल, जापान. तो सात देश हैं एशिया से G20 में. इसके अलावा एक और सवाल निकल सकता है, हाउ मेनी कंट्रीज फ्रॉम वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया से कितने देश G20 में? दो देश, टर्की एंड सऊदी अरब. इसके अलावा एक और सवाल निकल सकता है, विच कंटिनेंट हैज ऑल इट्स कंट्रीज और नेशंस इनसाइड G20, दैट इज नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में कैनेडा, यूएस एंड मैक्सिको. इसमें कैनेडा एंड यूएस आर अ पार्ट ऑफ G7 and Mexico was a developing country, it was taken up in G20 group. So ye G20 group, in short G8 group plus 11 countries plus European Union ka group hai.
फिनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग शुरू की गई 1999 में. सबसे पहला समिट बर्लिन में हुआ, फॉर्मल समिट. बर्लिन जर्मनी का कैपिटल है. और उसके बाद से मीटिंग्स होनी शुरू हो गई. बट देयर वाज वन पॉइंट टू नोट, अभी तक हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स मीट नहीं कर रहे थे. इसका साफ मतलब है प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स की मीटिंग नहीं हो रही थी. एंड देन केम द बिग क्राइसिस, द क्राइसिस ऑफ 2007. 2007 में विश्व को दोबारा एक चैलेंज आया, एंड दैट वाज रिसेशन. ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमीज दोबारा ध्वस्त होनी शुरू हो गई. 1997 से 10 साल के बाद एग्जैक्टली ये हो रहा था, और ये इट केम एंड इट टुक एवरीवन बाय सरप्राइज. इस रिसेशन को बहुत नेम्स दिए गए. नोटेबली एक सबसे बड़ा नेम था सब प्राइम क्राइसिस, और कंट्रीज के ग्रोथ रेट्स कम होने शुरू हो गए, बैंक्स डूब गए. लेमन ब्रदर्स बैंक वाज वन ऑफ द फर्स्ट बैंक्स ऑफ यूएस टू हैव गॉन बैंकक्रप्ट इन 2007 रिसेशन. और जब ये रिसेशन हुआ तो इट हैड इट्स रिपल्स ओवर द होल ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी इसके रिपरकशंस पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पे पड़ने शुरू हो गए. और इसका एंड रिजल्ट हुआ कि वॉशिंगटन डीसी में एक समिट हुआ. समिट वॉज मेनली हेल्ड इन 2008 इन वॉशिंगटन डीसी टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू काउंटर द इकोनॉमिक रिसेशन द वर्ल्ड वॉज फेसिंग. और इस समिट को लीड कर रहे थे जॉर्ज बुश, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएस. और इस समिट में पहली बार हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स की मीटिंग हुई, और उसके बाद डिसाइड हुआ कि G20 ग्रुप की मीटिंग में हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स भी मीट करेंगे, दैट इज प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर. इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर्स भी मीट करेंगे, इसके अलावा फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स भी मीट करेंगे, और इसके अलावा बैंक के गवर्नर्स भी मीट करेंगे. इन शॉर्ट आप देख रहे हैं मल्टीपल मीटिंग्स या मल्टीपल समिट्स हो रहे हैं, मल्टीपल मीटिंग्स हो रही हैं एक समिट में. तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स एज वेल एज द गवर्नर ऑफ द सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्रीज. और 2009 और 2010 में दो दो समिट्स हुए G20 के. सो 2009 टू समिट्स एंड 2010 टू समिट्स ईच. एक यानी कि एक साल में दो बार मीटिंग हो रही है. और 2011 से द समिट्स वर हेल्ड आर बीइंग हेल्ड एनुअली. तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. 2009 एंड 10 द समिट्स, टू समिट्स वर हेल्ड इन द ईयर. इन 2011 ऑनवर्ड्स एवरी ईयर एनुअल समिट्स आर बीइंग हेल्ड. एंड G7 और G8 के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा. मैं उसे बताऊंगा इस ग्रुप की हिस्ट्री. और ये वापस से G8 G7 में तब्दील हो गया, इट हैज बीन चेंज्ड बैक, ऑल बिकॉज रशिया को आउस्ट कर दिया गया है G8 से. नेवरदलेस ये यहाँ टॉपिक नहीं है डिस्कशन का, हमें केवल इसमें G20 का मेंबरशिप देखना है इस स्लाइड में. तो ये था मेंबरशिप. यहाँ से UPSC सवाल निकाल सकती है, और आपको ये मेंबरशिप फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से निकल सकते हैं. आपको ये पूरा मेमोराइज करना पड़ेगा. मूविंग एट, यहाँ आप साफ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2008 द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस केम अप. द वर्ल्ड सॉ नीड फॉर न्यू कंसेंसस बिल्डिंग, इन शॉर्ट टू टेक अप डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो इन ग्लोबल पॉलिसी मेकिंग. और इसीलिए G20 ग्रुप में हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट्स की भी मीटिंग्स होनी शुरू हो गई. और 2008 के वॉशिंगटन समिट में जॉर्ज बुश ने कहा दैट G20 विल रिप्लेस G8 इन द लॉन्गर टर्म. इन शॉर्ट G20 अब G8 की जगह पे इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में हाईएस्ट बॉडी रहेगा. इसका साफ मतलब है पहले केवल 8 देशों को पावरफुल बताया जा रहा था इकोनॉमी के फील्ड में, आज 20 देश 20 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. दैट मींस ऑल एनकम्पासिंग हो गया है रीच अब पॉलिसी मेकिंग का ग्लोबल लेवल पर. और मैं बता दूं G20 ग्रुप इट कलेक्टिवली अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ द वर्ल्ड GDP. तो पूरे विश्व का 90% जो GDP का होता है वो G20 ग्रुप के कंट्रीज अकाउंट करती हैं. एंड दे ऑल्सो अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. विश्व के 2/3 जनसंख्या इन्हीं देशों में रहती है G20 में. एंड 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज डन बाई G20 कंट्रीज.
आयात निर्यात में 80% पूरे विश्व का G20 ग्रुप ऑफ कंट्रीज करती हैं। तो ट्रेडिंग मैक्सिमम इन कंट्रीज का है, जीडीपी मैक्सिमम इन कंट्रीज का है, एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन का 2/3 पोर्शन इन्हीं देशों में रहता है। तो आप देख सकते हैं यहां भी यही इंफॉर्मेशन दिया गया है, और मैंने बताया था यूरोपियन यूनियन इज रिप्रेजेंटेड बाय यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वन मस्ट नोट। सो G20 कंसिस्ट ऑफ 19 इंडिविजुअल कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। तो समिट्स हो रही हैं 2011 से लगातार, और रिसेंट में जो समिट्स हुई हैं, 2018 का समिट हुआ था ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में। तो ये G20 जो समिट्स हो रही हैं, दे आर बीइंग हेल्ड इन द मेंबर कंट्रीज ओनली। और सबसे बड़ा नोटेबल पॉइंट है, टिल नाउ इंडिया हैज नॉट होस्टेड द समिट। इंडिया में समिट होगा दिल्ली में, और ये होगा 2022 में। सो 2022 द समिट इज गोइंग टू बी हेल्ड इन इंडिया एंड दिस क्वेश्चन कैन कम। तो 2018 समिट इन ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना, ब्यूनस एयर्स द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, इट वॉज द फर्स्ट G20 समिट टू बी होस्टेड इन साउथ अमेरिका। और इसका फोकस क्या था? सस्टेनेबल फूड फ्यूचर, रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन था ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में G20 का समिट। उसके तुरंत बाद सब्सिक्वेंटली इन 2019 द G20 समिट वॉज हेल्ड एट ओसाका जापान। इट वॉज द 14th समिट ऑफ G20 लीडर्स, और बाय डिफॉल्ट G20 समिट वहीं पे होल्ड किया जाता है जो देश चेयर करता है G20 को उस साल के लिए। सो एवरी ईयर देर इज वन चेयर कंट्री विच एक्ट्स एज द चेयर पर्सन, विच एक्ट्स एज द ग्रुप लीडर ऑफ G20 कंट्रीज। तो जापान वॉज द चेयर ऑफ G20 इन 2019, और ओसाका में ये समिट होल्ड किया गया। फोकस था ग्लोबल इकोनॉमी पे, फोकस था इनोवेशन पे, फोकस वॉज ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, फोकस वॉज ऑन एनवायरमेंट एंड एनर्जी, फोकस वॉज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट एज वेल। तो यू कैन ऐड दिस पॉइंट इन वैल्यू एडिशन, अगर कोई ऐसे आता है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, आप G20 से भी उठा सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैटर। ऑल्सो इफ एनी क्वेश्चन कम्स ओवर IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अगर मेंस में सवाल आएगा, यू कैन एक्सट्रैक्ट पॉइंट्स फ्रॉम G20 इनोवेशन। एंड हेल्थ पे बहुत बड़ा फोकस शिफ्ट किया है, और हेल्थ पे बहुत बड़ा फोकस और डिस्कशन होल्ड किया गया G20 समिट ओसाका में। एंड 2020 में द चेयर ऑफ G20 इज सऊदी अरब, एंड एज यू कैन इमेजिन सऊदी अरब विल होल्ड द समिट ऑफ 2020। बट एक न्यूज आया मार्च 26, 2020 को, एंड द न्यूज वॉज दैट द लीडर्स ऑफ G20 नेशंस केम टूगेदर फॉर अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल समिट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स नॉर्मल सर्कमस्टांसेस नहीं है, और ये सर्कमस्टांसेस जो एग्जिस्ट कर रहे हैं आज विश्व में, वो वारंट कर रहे थे एक मीटिंग G20 कंट्रीज का, क्योंकि जो चैलेंजेस अभी फेस कर रहा है, क्योंकि जो चैलेंजेस अभी हमारा वर्ल्ड फेस कर रहा है, उन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए कोऑपरेट करके, कोऑर्डिनेट करके G20 को ही आगे आना पड़ेगा। एंड दिस वर्चुअल समिट वॉज हेल्ड बाय टेली कॉन्फ्रेंसिंग मोड, एज यू कैन सी इट हेयर, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस समिट। और इस समिट को चेयर किया किंग ऑफ सऊदी अरब ने, बिकॉज सऊदी अरब इज द चेयर ऑफ G20 कंट्रीज इन दिस ईयर, एंड द किंग ऑफ सऊदी अरब सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। सो द किंग ऑफ सऊदी अरब सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद लेड दिस, चेयर दिस मीटिंग, एंड द मीटिंग हैड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्कसिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस डिजीज 2019 अपॉन द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल एज सोसाइटी। तो ये बात तो जैसा हम सभी जान रहे हैं, द राइज ऑफ दिस डिजीज हैज क्रिएटेड बिग चैलेंजेस, और इवन जो लॉकडाउन चल रहा है अभी, टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ दिस डिजीज इन मैक्सिमम कंट्रीज लॉकडाउन इज गोइंग ऑन इंक्लूडिंग इन इंडिया। सो इसके असर आएंगे इकोनॉमी पे, अर्थव्यवस्था पे, और ये इसीलिए ये समिट होल्ड किया गया कि आगे का वे आउट क्या रहेगा, स्ट्रेटजी क्या रहेगी। एंड इस टेली कॉन्फ्रेंसिंग के समिट में
it was decided that the G20 group of countries will inject approximately $5 trillion. So $5 trillion inject kiye jayenge world ki economy mein to counter the social and financial impacts of the global pandemic. To $5 trillion inject karne ki baat kahi gayi, and the G20 group of countries also supported the fact that WHO needs to be strengthened. World Health Organization ko aur strong banana hai hame, usse aur mandate dena hai to fight against pandemics aur ensure karna hai delivery of medical supplies, better diagnostic tools, better treatment procedures, better medicines and better R&D for vaccines. तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेडिकल फील्ड में ये ज्यादा फोकस में था एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल समिट में जो मार्च 26 2020 को होल्ड किया गया. एंड इवन इंडिया ने स्ट्रेस दिया, एम्फसाइज किया इस पॉइंट पे दैट मेडिकल फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ाए बिना वी कैन नॉट इमेजिन अ सेफ एंड सिक्योर वर्ल्ड इन द फ्यूचर. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द G20 समिट एंड द हिस्ट्री ऑफ G20. नाउ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक. फर्स्ट, G20 when was it formed? Statement based questions aa sakte hain. And from when did the head of the states started their meetings? Second, India mein summit kab hold kiya jayega? Ye bhi ek expected question hai aur iska answer comment box mein likh dijiye aap log, isse aap logon ko aasani rahegi yaad rakhne mein. So in which year India is going to hold the summit of G20? And third point, G20 mein Asia ke kitne countries hain? Names आप प्लीज लिखिए कमेंट बॉक्स में. इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेमोराइज, इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेमोराइज एंड रिवाइज. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ मच अमाउंट द G20 कंट्रीज प्रॉमिस टू इंजेक्ट इन टू द ग्लोबल इकोनॉमी टू काउंटर द सोशल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट्स ऑफ नोवेल वर्जन ऑफ कोरोना वायरस डिजीज 2019. So that was all about G20. In the next session, we are going to talk. हम लोग बात करने वाले डिटेल में अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर. अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज वी आर गोइंग टू अपलोड एट लीस्ट 1 to 2 वीडियोज एवरी डे. एंड दीज वीडियोज विल बी मैसिवली हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ UPSC एंड अदर स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन. तो प्लीज सब्सक्राइब टू अस एंड प्लीज राइट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स. एंड प्लीज पुट इन योर रिकमेंडेशंस अगर आपको लगता है कि हमें किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए. दैट एंड्स द सेशन. थैंक्स अ लॉट.